श्री गणेशाय नमः। शिव तने वृष्टम सर्व कल्याण मूर्ति परस कमलहस्तम शोभतम मोदकेन अरुण कुसुमवाला व्याल जगो विवीतम माम हृदय निवासम श्री गणेश नमामि। ओम नारायण नमस्कृतम नरं चैव नोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मदीरियेत। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को बुधवार को आषाढ़ी पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से उच्चारण किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने दीक्षा गुरुओं का यथासंभव मान सत्कार करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमरंदस्या ज्ञान जन सालाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, बिन गुरु ज्ञान न होए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सर्वप्रथम तो भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे गुरु हैं और उसके बाद भक्तजनों के जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो अध्यात्मिक शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, जो अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उन दीक्षा गुरुओं की इस दिन भक्तिभाव से पूजा की जाती है। जिन भक्तों के जीवन में दीक्षा गुरु का अभाव हो उनको भगवान के गुरु रूप में पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात अपने माता पिता वह भी गुरु के समान हैं, अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। और जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, इस परम पवित्र दिन को हम उन वृद्धजनों को मान सत्कार करके पूजा कर सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपनो गोविंद दियो मिलाए। गुरु की कृपा से ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं। कहा गया है, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सात समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन राए, धरती कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। सच्चा गुरु ही शिष्य को अध्यात्मिक ज्ञान देकर उसके अंतःकरण से अज्ञानता का अंधकार दूर करता है और भगवान के चरण कमलों में उसकी लगन लगाता है। इसलिए इस दिन पूरे अपने मन में निम्रता धारण करके, श्रद्धा धारण करके, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए, उनका मान सत्कार करना चाहिए। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। इसलिए गुरुजनों की तो हमारे ऊपर अपरंपार कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दोहि मोहे हरो क्लेश विकार, सियावती राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कि मेरे गुरु तो मेरे लिए शिव रूप हैं। बंदे बोध में उन्नतम गुरु शंकर रूप नव याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वयं तत्मेश्वरम कृष्णम वंदे जगदगुरुम। इसलिए भगवान के तुल्य ही हमारे परम गुरु हैं, गुरु ही भगवान हैं और भगवान ही गुरु हैं, दोनों एक ही रूप हैं। गुरुओं की कृपा से ही हम अज्ञानता के अंधकार से निकलकर आध्यात्मिक प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय।